सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स के कैंसिलेशन के बारे में। तो हो सकता है कि आपके सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा सीबीएसई के ऑफिशियल्स का कहना है, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू पब्लिश किया गया है न्यूज़पेपर आर्टिकल में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिप्यूटेड न्यूज़पेपर आर्टिकल है, जैसे कि आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी न्यूज़ आता है वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ होता है, जिसमें पब्लिश किया गया है सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स 2020 में भी स्क्रैप्ड एमिड कोविड सर्च। बात करें आर्टिकल के बारे में, तो ये आर्टिकल आपको 14 मई 2021 का आर्टिकल है। आगे बात करें, आर्टिकल में बताया गया है सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोरोना वायरस जो भी स्थिति बना हुआ है उसकी समीक्षा कर रहा है और बोर्ड परीक्षा को रद्द करने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई द्वारा अगले 2 वीक के अंदर बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा सकता है। इसे लेकर बैठक की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को जो यहाँ पर आपको दिया है इंटरव्यू, उसमें बताया है कि हो सकता है सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति को देखते हुए परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की संभावना है। सीबीएसई स्थिति की समीक्षा करेगा और हो सकता है 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना तैयार कर सकता है। आगे बात करें तो आर्टिकल में आपको बताया गया है, बोर्ड के एक दूसरे अधिकारी ने इस पर सहमति जताई है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई वर्तमान स्थिति बेहद खराब है, ऐसे में बोर्ड परीक्षा का आयोजन करना असंभव है। यानी कि बोर्ड एग्जाम्स इस सिचुएशंस में आपके होने के चांसेस बिल्कुल भी कम हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस पर अंतिम निर्णय जून में जो आपका बैठक होने वाला है उसमें लिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसको लेकर के बैठक होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और भी काफ़ी मिनिस्टर्स इसमें रहेंगे, जिसमें इस पर क्लियरेंस आएगा कि ये कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी भी वक्त परीक्षा का आयोजन हो सके। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सीबीएसई का क्लास 10th का एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। इसके अलावा बात करें तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम्स होने वाला था, उसे भी पोस्टपोन करके अक्टूबर तक डिले कर दिया गया। यानी कि जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था आपका इस मंथ में, उसे अक्टूबर में डिले यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि बहुत ही जल्द कोई ऑफिशियल्स अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग। अभी तक ये क्लियरेंस नहीं है कि इसका एग्ज़ाम्स कैंसिल होगा। मेरा काम है आप लोगों तक अपडेट पहुंचाना, तो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट अभी यही आ रहा है सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।